दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप इसे सुन पा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं खेल भवन में हल्द्वानी शहर के, और सहायक निदेशक रसिका सिद्दीकी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और जिला क्रीड़ा अधिकारी जानकी मैम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत स्वागत है। मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि हम जो बचपन में बहुत दौड़ा करते थे, खेला करते थे, एकदम जैसे ही हम थोड़ा सा किशोरी बनते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं या फिर महिलाएं बन जाते हैं, जहाँ से वहाँ से एकदम हमारी सारी स्पोर्ट्स गतिविधियाँ ख़त्म हो जाती हैं, हमसे हमारे जीवन से खेल एकदम ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप स्पोर्ट्स के इतने बड़े महकमे में, इतने बड़े पदों पे आप लोग हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि महिलाएं इतने बड़े पदों को संभाल रही हैं। तो मैम, महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, आजकल के समय में जो भी स्थितियाँ चल रही हैं, उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे हैं। अब समय ऐसा आ गया है कि हर क्षेत्र में महिलाएं जो है प्रतिनिधित्व कर रही हैं अपने एक वर्ग का। हमारे खेल विभाग में कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें प्रतिभा करके कई बालिकाएँ जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा कर रही हैं और अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम रोशन कर रही हैं। इसी क्रम में हमारे विभाग में भी कई महिलाएं ऐसी हैं। हमारे खेल विभाग में अगर आप कहेंगे तो इस समय आप जनपद नैनीताल में ही ले लिए, जहाँ के जिला क्रीड़ा अधिकारी मैडम महिला हैं, और हमारे इस विभाग में, हमारे कार्यालय में भी कई जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें नीता पोखरिया मैडम है, पूनम मेहता मैडम है जो प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इसी तरह से कई जो प्रशिक्षक हैं वो भी महिलाएं हैं जो इस जनपद में कार्य कर रही हैं, और अपने कार्य को बल पर इस जनपद की महिलाओं को, बालिकाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। वर्तमान में कई योजनाएं ऐसी हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी विगत 2 वर्षों से जो प्रतियोगिताएँ, जो एक योजनाएं चालू करी हैं माननीय मुख्यमंत्री उद्यमान उन्नयन चयन योजना, उसमें कई बालिकाएं, जो 150 बालिकाएं हैं, उनका चयन किया गया है जनपद से, जिनको प्रतिमा 1500 रुपया छात्रवृत्ति दी जाती है, जिससे वो अपने डाइट का या किट का, जिसमें भी वो उसको करना चाहती हैं, उसका यूज़ करके अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाती हैं। इसी प्रकार उद्यमान उन चयन योजना है, प्रोत्साहन योजना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाई गई है, उसमें भी प्रतिभा किया गया है बालिकाओं का, और उसमें भी बालिकाओं ने प्रतिभा किया है, और उसमें उनको प्रतिमा 2000 रुपये की धनराशि दी जाती है, जिससे वो किट अपना, जो भी उनकी ज़रूरत होती है खेल के क्षेत्र में, उसकी पूर्ति करती हैं, और एक साथ उनको 10000 रुपया दिया जाता है, जिससे वो किट अपना जो खरीदना है, उनको उपकरण खरीदना है, वो उससे क्रय कर सकती हैं। अभी हमारे खेल विभाग द्वारा भी योजना चालू की गई है, जो भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनका पदक है तो उनको सरकारी नौकरी में, कई ऐसे विभाग हैं जिसमें उनको नौकरी दी जा रही है। वर्तमान समय में भी हमारे इस योजना की पूर्ति हुई है, और इसमें महिलाओं को उसमें मिली है नौकरी, लगभग 4 या 5 महिलाओं को। तो खेल के क्षेत्र में भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, महिलाओं को, और उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। खुद की आत्मरक्षा के लिए आप कितना जरूरी मानती हैं इन कुछ खेलों को, कुछ खास जो खेल हैं? देखिए, खुद की आत्मरक्षा के लिए खेल ही एक ऐसा शब्द है जिसमें अगर कोई बालिका आती है, लड़की आती है, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस जागृत होता है। ना केवल मार्शल आर्ट लोग कहते हैं कि उसमें, तो इस में केवल मार्शल आर्ट ही संबंध नहीं रखता, खेल एक ऐसा शब्द है जिससे अगर कोई बालिका जुड़ जाती है तो उसमें खुद में ही कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ, किसी भी परिस्थिति से लड़ सकती हूँ, अपनी आत्मरक्षा कर सकती हूँ। तो मैं तो सभी बालिकाओं से यही कहूँगी कि वो खेल से जुड़े, अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं, क्योंकि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं हमारे खेल में जिनमें प्रतिभा करके वो अपने भविष्य को रोशन कर सकते हैं। जी मैम, जैसे कई बार होता है कि कोच जो हैं, कई बार पुरुष होते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए कुछ कभी ऐसा कुछ सोचा आपने कि कुछ फ्यूचर में? नहीं, देखिए, खेल के क्षेत्र में मैं तो, क्योंकि हम खुद भी एक खिलाड़ी रहे हैं और हमारे जो प्रशिक्षक रहे हैं हमेशा पुरुष ही रहे हैं, तो हमें तो वैसे कभी इस तरह की किसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हो सकता है किसी को ऐसा परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो, ये भी मैं नहीं कह सकती हूँ। तो उसमें
यही कह सकते हैं कि अगर खेल से कोई भी महिला जुड़ी हुई है तो उसमें खुद में ही इतनी समर्थ होती है कि वो उस परिस्थिति का सामना कर सके, उससे बाहर निकल सके, उससे लड़ सके। और महिलाएं हैं तो और भी अच्छी बात है, महिलाएं कई खेलों में प्रशिक्षक हैं तो उससे उनको सावधान भी मिलता है। मैम थोड़ा सा अपना बताइए कि आप कहाँ कहाँ रही हैं खेलों में? मैं यहीं की निवासी हूँ, हल्द्वानी की निवासी हूँ, यहीं पर मैंने खेलना प्रारंभ किया और इसी स्टेडियम से। अच्छा, इसी स्टेडियम में मैंने खेला है और काफ़ी पुराने समय में, जबकि लड़कियां खेलती नहीं थी, निकलती नहीं थी, उस टाइम हमने खेलना शुरू किया। कई विपरीत परिस्थितियों का भी सामना, कठिनाइयों का सामना जिनको कहते हैं, विपरीत तो नहीं, कठिनाइयों का भी सामना किया, लेकिन हमें ऐसे प्रशिक्षक मिलते रहे, ऐसे हमारे मार्गदर्शक मिलते रहे जिन्होंने हमको प्रोत्साहित करा, आगे बढ़ाया। हमारे कोच जो थे उन्होंने NIS जो हमारा एक कोर्स होता है पटियाला से, उसमें NIS करने के लिए प्रेरित किया। और NIS करने के बाद हम जो अब उत्तर प्रदेश था उस समय, तब हमने खेल विभाग ज्वाइन किया उत्तर प्रदेश का, लखनऊ में। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी पिथौरागढ़ रही, पिथौरागढ़ के बाद लखनऊ और कुमायूं मंडल के लगभग सभी जनपद में मैंने की है। वर्तमान में मैं सहायक निदेशक खेल देहरादून के पद पर कर। जी बिल्कुल मैम, कौन से स्पोर्ट्स से आप जुड़ी हैं? मैं हॉकी। अच्छा, हॉकी मेरा खेल था और सीनियर नेशनल स्तर तक मैंने खेला है। ओके। और मैंने खेल विभाग ज्वाइन किया था उपकरण अधिकारी के पद पर, वर्तमान में सहायक निदेशक के पद पर कर। क्या बात है मैम, बहुत शुक्रिया मैम। और कोई संदेश हो चलते सभी महिलाओं को? मैं यही कहना चाहूँगी कि और सभी पेरेंट्स को, सभी अभिभावकों को, कि वर्तमान में परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपने जो लड़कियाँ हैं उनमें बहुत प्रतिभा है, बहुत उनके अंदर उत्साह भी है, एनर्जी भी है, उनको किसी भी खेल में जिसमें उनका इंटरेस्ट हो उस खेल में डालें, उनको प्रोत्साहित करें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। कई अवसर हैं, कई उनको ऐसे अवसर मिलेंगे जो अपनी प्रतिभा का, अपने खेल का प्रदर्शन करके अपना भविष्य वो सुनहरा बना सकती। जी बहुत शुक्रिया मैम।